नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां चौपटा ब्लॉक समिति चेयरमैन सूरजभान बुमरा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पार्षदों ने सोमवार को सिरसा लघु सचिवालय में पहुंच उपायुक्त शांतनु शर्मा से मुलाकात की। 30 पार्षदों पर आधारित चौपटा ब्लॉक समिति के 26 पार्षद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। सभी ने हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव उपायुक्त शांतनु शर्मा को सौंपा और यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की। 22 ब्लॉक समिति सदस्यों के हस्ताक्षर। आपको बता दें कि चौपटा खंड की ब्लॉक समिति में 30 सदस्य हैं। 30 सदस्यों वाली नाथूसरी चौपटा पंचायत समिति के सदस्यों में से विनोद कुमार, सोहनलाल, रामनिवास, सुलोचना, फूली, रजनी रानी, कलावती, सुनीता रानी, संतोष, संजीव कुमार, संतोष राम, मांगेलाल, अंजना, आरती, सोनू, रोहतास, विकास कुमार, मुकेश कुमार और पवन कुमार सहित 22 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव जिला उपायुक्त को सौंपे गए हैं। जिला उपायुक्त ने सभी ब्लॉक समिति को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन सहित शेष सदस्यों को नोटिस जारी किया जाएगा और शीघ्र ही बैठक बुलाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे पार्षदों का कहना था कि चेयरमैन की मनमानी के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चेयरमैन सूरजभान बुमरा किसी भी पार्षद की बात नहीं सुनते और न ही किसी का फ़ोन उठाते। इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव लेकर चेयरमैन को पद से हटाने की मांग की जा रही है। पार्षदों ने बताया कि पूर्व में चेयरमैन का चयन सर्वसम्मति से किया गया था, लेकिन चेयरमैन की मनमानी के चलते सभी पार्षद उनके कार्यों से असंतुष्ट है। चेयरमैन पंचायत समिति चेयरमैन सूरजभान बुमरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहुँचे। कितने लोग हो आप? 26 लोग हैं जी। टोटल मेंबर 30 है जी। 30 मेंबर है उसमें से 26 है जी। तो क्यों मिले आप जी साहब से, क्या वजह क्यों है? काम नहीं हो रहा जी, चेयरमैन अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, किसी मेंबर को कोई पूछता नहीं है। आश्वासन जी, डी साहब ने रेडी पे मार कर दिया, उसको नोटिस भिजवा देंगे जल्दी आपको। आप लोगों ने उनसे पूछा क्यों काम क्यों नहीं कर रहा, क्या कोई राजनीतिक? फोन ही नहीं उठा रहा जी, फोन भी नहीं उठा रहा जी, किसी से मिल भी नहीं रहा। इंटरेस्टेड है? हाँ जी, दोबारा चुनाव करवाएंगे। मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्दी दोबारा चुनाव हुआ है, क्योंकि जो PRI की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम जो पीसाइड फंड एड बटे यूज कर लग रही है, गलती यूज कर लग रही है। ये हमारे जो चेयरमैन है वो हमारे बगैर पूछे और अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं और कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा हमारा। हम उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मिले हैं। कहाँ से, कौन सी ब्लॉक से? नाथूसरी चौपटा। कौन है चेयरमैन? सूरजभान बुमरा के खिलाफ। तो अभी DC साहब ने क्या कहा है? DC साहब ने हमें हमारी हम मिल लिए हमारा वो दे दिया शपथ पत्र और उन्होंने हमें टाइम दिया है भाग्य। अविश्वास प्रस्ताव की मांग? हाँ, दे दिया हमने अभी। कुल कितने मेंबर है और कितनों ने? कुल मेंबर 30 है और हमने अभी 26 मेंबरों ने दिया है। क्या ठोस वजह क्यों है, क्यों आप खिलाफत कर रहे हैं? सर, खिलाफत तो यही है, हमारा कोई विकास कार्य नहीं हो रहा और वो आदमी अपनी मनमर्जी से किसी भी मेंबर के साथ, ना तो उसका कोई व्यक्तिगत व्यवहार है और अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। हम उसके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। क्या वो किसी एंटी पार्टी से संबंध रखता है? वो एंटी पार्टी तो वो तो उसका व्यक्तिगत फैसला है, हमें कोई एंटी वो नहीं है, हम उसकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। अब क्या चाहते हैं आप? हम उसे बदलना चाहते हैं, चुनाव दोबारा कराने की मांग। बिल्कुल, हाँ यही मांग हमारी। तो DC साहब ने क्या बोला? DC साहब ने हमें टाइम दिया है आगे। कितना टाइम दिया? 4-5 दिन का टाइम दिया। कोई नोटिस भी जारी करने का? कोई नोटिस जारी के लिए बोला है। जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद। तो 30 में से तो 4 लोग बचे हैं, वो कौन है? वो सर आपको अब मैं यहाँ हमारे तो है ही, उनका वो मैं क्या नाम था, वो पहुँच जाएंगे, हम लगे हैं उनमें। लेकिन बहुमत आपके पास है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने उन्हें सर्वसम्मति से चुना था और उस व्यक्ति को आज ये पता ही नहीं है सर्वसम्मति क्या होती है, कितनी जिम्मेवारियां होती है, सबको ठोकर मार के और वो बताओ ऐसे प्रत्येक मेंबर को छोड़ के और अपनी मनमर्जी से कार्य करता है।